गुड इवनिंग एवरीबॉडी, ऑल डियर स्टूडेंट। देखिएगा, पुलिस की परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए साधारण ब्याज का एक टॉपिक हम आपके बीच में शेयर कर रहे हैं। संभवतः ऐसा क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। एक धनराशि साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2,240 रुपए हो जाती है और 5 वर्षों में 2,600 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। अगर क्वेश्चन में धनराशि ज्ञात करना आ जाए, टॉपिक का नाम होगा जब दो समयों का मिश्र धन दिया गया हो, डबल टाइम डबल अमाउंट। तो देखिएगा, ये सवाल हम सिखाने वाले हैं आपको, दूसरा भी, तीसरा आपको करना है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप फटाफट क्या करिएगा, एमएस रूल के मुताबिक आप क्या सीखिएगा, सबसे पहले ये जानकारी जो दी गई है इसको आप लिख लीजिए बड़े प्रेम से। 2 वर्षों का ये हो जाता है 2,240 रुपए और 5 वर्षों में हो जाता है 2,600 रुपए। सबसे पहला काम है, ये दोनों स्टेटमेंट हमने लिख लिए। अब आपको करना क्या है, समयों का अंतर लेना है और मिश्र धनों का भी अंतर लेना है। क्या लेना है प्रिय विद्यार्थियों, अंतर लेना है। अब अंतर लेने के लिए क्या करोगे, हमेशा कहा जाता है अंतर का मतलब होता है बड़ी राशि से छोटी राशि घटाई जाती, माइनस चिन्ह का प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिएगा, 5 और 2 का अंतर होगा 3 और एक लाइन यहां देंगे 3 वर्ष का ब्याज और मिश्र धन का जो अंतर आएगा 0 से 0, 0, 10 में से 4 गए 6, हाथ में आया 1 और 6 में से 3 गए 3, तो 360। तो ये समयों का अंतर और मिश्र धनों का अंतर आपका उतने ही वर्षों का ब्याज बन जाएगा जितना ये अंतर आएगा। समयों का अंतर 3 आया और मिश्र धनों का अंतर 360 आया, तो आप ये लाइन लिखेंगे 3 वर्ष का ब्याज बराबर 360। अब आपको एक एक नियम का पालन करना है। यहाँ पर देखेंगे 3 वर्ष का ब्याज अगर 360 है तो इसीलिए 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 360 में 3 का भाग दे देंगे तो 360 में 3 का भाग दिए तो 120। इसीलिए अब हम पहले वाले स्टेप पे जाएंगे, या तो पहले पर या दूसरे पर, किसी भी में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमेशा पहले में करिएगा। तो हम 2 वर्ष का ब्याज निकाल लें, तो 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 120 गुणित के 2 बराबर के 240। अब देखो, आपके पास 2 वर्ष का ब्याज 240 है और 2 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है 2,240 रुपए। तो आप एक बात याद रखिएगा, अगर मूलधन की राशि में ब्याज जोड़ दिया जाए तभी तो अमाउंट प्राप्त होता है। अगर इतनी बात आपको पता है तो अब अगर मूलधन निकालना है तो अमाउंट में से अगर एसआई को घटा दिया जाए, अर्थात इन दोनों का अंतर ले लिया जाए, तो वही तो मूलधन होगा। मिश्र धन की राशि से यदि ब्याज को घटा दिया जाए तो हमने देखा मिश्र धन हमारा है 2,240 रुपए और साधारण ब्याज हमने निकाल लिया 2 वर्ष का 240, इनका अंतर आएगा तो आपका आंसर हो गया 2,000 रुपए। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फिर से सुनिएगा, रिपीट करता हूं, अगर 2 वर्षों का डबल टाइम डबल अमाउंट दिया हुआ है और आपसे मूलधन ज्ञात करना पूछा जाए, तो एमएस रूल के मुताबिक ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम सर्वप्रथम स्टेटमेंट लिखेंगे, समयों का अंतर ले लेंगे और मिश्रधनों का अंतर ले लेंगे। वो जितने समयों का अंतर आएगा, जितना मिश्रधनों का अंतर आएगा, वही उतने वर्षों का ब्याज बन जाएगा। एक एक नियम का पालन करेंगे तो 1 वर्ष का ब्याज 120 आ गया, इसीलिए 2 वर्ष का ब्याज आ गया 240। ये राशि में ब्याज जुड़ा हुआ है ये हम जानते हैं, तभी मिश्रधन बनता है। मिश्रधन से अगर हम मूल ब्याज को घटा दें तो हमें मूलधन की प्राप्ति हो जाती है। अब हम इसको देखो दूसरे क्वेश्चन में और सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन था, हमने आपको बताया, ये चीजें आप एग्जाम हॉल में गायब कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपए और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी। तो हमने क्या बताया, ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप एमएस रूल के मुताबिक सबसे पहले क्या याद रखना है, स्टेटमेंट लिखने। 5 वर्षों में कितनी हो जाती है 520 और 7 वर्षों में कितनी हो जाती है 568। अब इन्हीं का हमें क्या ले लेना है, अंतर। अंतर ले लेंगे, अब अंतर लेंगे तो 7 में से 5 गए तो यही 2 वर्षों का ब्याज कितना बन जाएगा 8, 6 में से 2 गए 4, 48। अब ये जो ब्याज की राशि ऊपर हमने लिख के बताई थी, ये पेपर में तुम्हें सॉर्ट आउट कर देनी है। ये 2 वर्ष का ब्याज है एक एक नियम से, तो बताओ 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, ये भी सॉर्ट आउट कर दीजिए, 24। सीधा 2 का भाग मार दिया। अब हम पहले स्टेप पे जाते हैं, ऊपर की लाइन में 5 है
तो 5 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिएगा तो 24 पंचे 120। अब इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे एग्जाम हॉल में, तो ये चीज लिख के नहीं दिखानी है आपको, करना क्या है, आप जानते हैं पहले से ही कि इस राशि को हम मिश्रधन कहते हैं, तो इसमें ऑलरेडी पहले से साधारण ब्याज जुड़ा हुआ है। अगर हम साधारण ब्याज की राशि को इससे घटा दें तो हमें मूलधन की प्राप्ति होगी, तो 520 में से 120 गया तो यही 400 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन। करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्पल। ओके, आशा करेंगे आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो तीसरा क्वेश्चन आपको लगाना है और कमेंट में आंसर देना है। देखिएगा, एक धनराशि साधारण ब्याज में 2 वर्ष में 720 रुपए हो जाती है तथा 7 वर्षों में 1020 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करें।